अपन पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग में अपने जो पिछला चैप्टर पढ़ लिया था वो पढ़ लिया था सेटिंग अरेंजमेंट। दोस्तों आई होप आपको पिछला चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। दोस्तों आज करेंगे एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं अपन, लेकिन नए चैप्टर की शुरुआत करने से पहले अगर आपने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उसको प्लीज़ यूट्यूब पर विजिट कर सकते हैं, और डी जी क्लासेस ऐप पर भी आप उस क्लासेस को जाके देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप कर रहे हैं मेरे साथ तैयारी और तैयारी को बनाना चाहते हैं और बेहतर, तो आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको टेस्ट वन सब्सक्राइब करना होगा। अपनी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए आपको टेस्ट वन सब्सक्राइब करके अपनी मेहनत को ऐसे ही बरकरार रखना होगा। तो अपन बात कर रहे थे आज के अध्याय की कि कौन सा अध्याय अपन शुरू करने वाले हैं। दोस्तों अध्याय की शुरुआत करने से पहले अपन क्या करते हैं, क्लास की शुरुआत किससे करते हैं, मोटिवेशनल कोट से करते हैं। तो आज का जो मोटिवेशनल कोट रहने वाला है अपना, वो ये रहने वाला है कि अगर आप रिजल्ट पर ध्यान देकर कोई भी काम करते हैं तो वो कभी सफल नहीं हो पाता है। तो आपको करना क्या होगा, रिजल्ट की परवाह ना करते हुए उन छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करना होगा जो आपने बनाए हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, रिजल्ट आपको आपका मिल जाएगा। आपको रिजल्ट का ध्यान नहीं रखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो छोटे छोटे टारगेट आपने बनाए हैं वो कैसे आपको अचीव करने हैं, उसी प्रकार से आपको रिजल्ट आपका मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की जो क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं, अगर बात करें कि ये चैप्टर किस किस परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये जो चैप्टर जो है आपका सभी परीक्षाओं में लगभग पूछा जाता है, चाहे SSC हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेल हो, सभी एग्जाम में ये चैप्टर इवन पूछा जाता है। स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम है उनमें पूछा जाता है। तो आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है डाइस। अपन दोस्तों क्या करेंगे, आज डाइस को शुरू करेंगे। तो डाइस को हिंदी में क्या बोलते हैं, पासा बोलते हैं। पासे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अपन करने वाले हैं कि किस किस टाइप से एग्जाम के अंदर इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का सभी टॉपिक लगा लीजिए, सबसे पहले आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा अपना पासा, यानी कि पासा क्या रहेगा, पासा। आज जो पढ़ने वाले हैं अपन पासा अध्याय पढ़ने वाले हैं। देखो पासा क्या होता है, पासा एक अपने आप में स्क्वायर या रेक्टेंगल से एक बनने वाला 3D डायग्राम होता है। अगर इसके ऊपर मैं किसी नंबर या किसी सिंबल या किसी चिन्ह को मैं प्रदर्शित कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, अपना एक पासा बन जाएगा। लेट सपोज पासा कैसे बनेगा, यहाँ देखिएगा, ये क्या है, मेरे क्यूब है। क्यूब क्या होता है, एक 3D डायग्राम होता है। अगर इस क्यूब के ऊपर में किसी नंबर को या किसी साइन को मैं अगर यहाँ लिख देता हूँ तो दी गई आकृति क्या बन जाएगी, अपनी एक पासा बन जाएगी। क्या बन जाएगी, पासा। तो इसमें देखिएगा, पासे में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको ध्यान रखनी होगी कि दिए गए पासे के अंदर कोने कितने होते हैं, ये देखिए सबसे पहले, तो उसमें सतह कितनी होती है ये देखिए, और किनारे कितने होते हैं। ये आपको बात याद रखनी पड़ेगी कि दिए गए पासे में जो कोने, अगर मैं बात करूँ कोने होंगे अपने पास 8, सतह अपने पास होती है 6, और किनारे इट मीन्स एज, यानी दो कोनों को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, किनारा बोला जाता है। तो किनारा कौन सा हो गया, ये वाला कोना और ये वाले कोने को पकड़ लीजिए, और इन दोनों कोनों को जो लाइन मिला रही है, लाइन सेगमेंट जो मिला रहा है उसको क्या बोलेंगे, किनारे बोलेंगे, इसको एज भी बोला जाता है। तो ये कितने होते हैं दोस्तों, ये अपने पास होते हैं 12। तो किसी भी पासे में अगर आपको कोने की पूछा जाए तो कोने कितने होते हैं दोस्तों, कोने होते हैं 8, सतह होती है 6, और किनारे होते हैं 12। ये तो हो गया आप जनरल डेफिनेशन हो गए पासे की, कि पासा होता क्या है, पासा में कितने किनारे, कितने सतह या कितने कोने होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं सामान्य पासे और स्टैंडर्ड डाइस या मानक पासा, सामान्य पासा या मानक पासा क्या होता है और पासा कितने प्रकार का होता है, पहले ये जान लेते हैं। दोस्तों पासा मेनली अगर मैं बात करूं तो दो ही टाइप का होता है, एक तो होता है अपना बंद पासा और एक होता है अपना खुला पासा। दोस्तों अगर बंद पासा होता है तो उसमें सामने से देखने पर आपको कितनी सतह दिखाई देती है बच्चों, आपको जो सतह दिखाई देती है 3 और 3 सतह दिखाई देती है सामने से उसको देखने पर,
लेकिन अगर उसी पासे को अपन ओपन कर देंगे तो आपको कितनी सतह दिखाई देगी, 6 सतह उसमें दिखाई देती है। तो यहाँ पर मैं डिवाइड कर रहा हूँ पासे को। पासा दो प्रकार का होता है, एक तो होता है अपना बंद पासा और एक होता है अपना खुला पासा। दो ही पासे होते हैं, एक होता है बंद पासा और एक होता है खुला पासा। और इस बंद पासे में भी दो पासे हो जाते हैं, कौन सा? एक होता है सामान्य पासा और एक होता है मानक पासा। सामान्य पासा और मानक पासा, खुला पासा अपने आप में 6 सतह का दिखाई देता है। तो सबसे पहले तो ये नोट कर लीजिए आप कि पासा कितने प्रकार का होता है, बंद और खुला, बंद में कितने प्रकार का, सामान्य पासा और मानक पासा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बंद पासे के बारे में। मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ बंद पासे के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, तो देखिएगा, हेडिंग लगाइएगा बंद पासा। बंद पासा, और बंद पासे के अंदर कौन सा पासा? सामान्य पासा। सामान्य पासा देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी दोस्तों, सामान्य पासे की डेफिनेशन क्या होगी? अगर सामने से देखने पर पास वाली सतह का योग 7 बन जाए, अगर पास वाली सतह का योग कितना बन जाए, 7 बन जाए, तो क्या होगा? वो सामान्य पासा होगा। कौन सा पासा होगा? वो सामान्य पासा होगा। मैं विपरीत सतह नहीं बोल रहा दोस्तों, क्या बोल रहा हूँ आपसे कि अगर पड़ोस वाली सतह का योग 7 हो जाए तो कौन सा पासा होगा? सामान्य पासा होगा। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, पड़ोस वाली सतह का योग 7 हो तो वह सामान्य पासा होता है। क्लियर? जैसे कि ये देखिएगा, ये कोई पासा है, इसमें मैंने लिख दिया 2, 5। क्या होना चाहिए? कोई भी दो पड़ोस वाली सतह का योग कितना हो जाना चाहिए? 7 हो जाना चाहिए। तो यहां पर ये वाली और ये वाली दोनों सरफेस देखिए, 5 + 2 कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। तो ये कौन सा पासा होगा? ये सामान्य पासा होगा। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन, ये तो हो गया अपना सामान्य पासा और उसकी डेफिनेशन। अब बात करते हैं कि मानक पासा क्या होता है। मानक पासा देख लीजिए, मानक पासा दोस्तों, मानक पासे की डेफिनेशन क्या होगी? इसको इंग्लिश में स्टैंडर्डाइज बोला जाता है, जब विपरीत फलकों का योग 7 होता है तो वह मानक पासा कहलाता है। क्या कहलाता है? वह मानक पासा कहलाता है। क्लियर? जैसे अभी ये क्या है अपना क्यूब है, ये पासा नहीं है। अगर मैंने इसके ऊपर ये नंबर्स लिख दिए हैं तो एक डेफिनेशन तो ये हो गई कि विपरीत फलकों का योग 7 होता है तो मानक पासा होता है, या पड़ोस सी सतह का योग, पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों? पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए। पड़ोसी सतह का योग 1 + 3 = 7 नहीं है। दूसरा 2 + 3 ये भी 7 नहीं है। उसके बाद 1 + 2
ये भी सेवन नहीं है, मैंने यही लिखवाया। या विपरीत फल का योग सात हो या फिर पड़ोस सतह का योग सात नहीं होना चाहिए, तो वो दिया गया पासा कौन सा पासा होगा अपना? दोस्तों वो दिया पासा जो होगा अपना वो कहलाएगा अपना मानक पासा। तो ये कौन सा पासा हो जाएगा अपना? मानक पासा। क्लियर, आपको समझ में आया होगा कि बंद पासे के अंदर दो टाइप के पासे मैंने आपको बताए हैं, एक सामान्य पासा बताया है और एक मानक पासा बताया है। क्लियर, अब नेक्स्ट चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहे तो। अभी अपन पढ़ेंगे बंद पासे, बंद पासा पढ़ रहे हैं। बंद पासे के अंदर दो टाइप के पासे होते हैं, उनकी डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दी। अब एक नोट डाल के लिखिएगा दोस्तों, एक नोट लिखिएगा, क्या नोट है? पासे के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो बात आती है वो मैं लिखवाने जा रहा हूँ आपको, कौन सी महत्वपूर्ण बात है, इसी से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे दोस्तों आपके। दो विपरीत सतह कभी भी साथ में नहीं होती है। क्या महत्वपूर्ण बात है? दो विपरीत सतह कभी भी साथ में नहीं होती है। इसके कहने का मतलब ये हुआ, अगर पास वाली सतह पर या सामने वाली सतह पर दो डिजिट लिखी हुई होगी या नंबर दो अंकित होगा, तो उसके पड़ोस वाली सतह पर कभी भी पांच आपको नजर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अगर उन दोनों का योग सेवन हो गया तो वो तो सामान्य पासा हो गया, मैं बात कर रहा हूँ मानक पासे की। दो विपरीत सतह कभी भी साथ में नहीं होती है, पहली बात तो मैंने ये आपको लिखवाई है। इस नोट का यूज करते हुए अपन क्या करेंगे, दिए गए सारे प्रश्नों का हल निकालेंगे। तो आइएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर कि इस चैप्टर में किस किस टाइप के क्वेश्चन अपन से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले जो बात करेंगे अपन कंपैरिजन की करेंगे, किस प्रकार इनकी तुलना करनी है अपने को, बात करेंगे कंपैरिजन यानी कि तुलना करना। जब दो पासों में नोट टाइप नंबर वन है, टाइप नंबर वन के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे, टाइप नंबर वन है, जब दो पासों में कोई एक अंक उभयनिष्ठ हो। क्या हो दोस्तों? कोई एक अंक उभयनिष्ठ हो तो किस प्रकार उसके विपरीत अंकों को निकाला जाता है, चलेगा देखिएगा। मैं क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं, क्वेश्चन लिखिएगा, दिए गए पासों में, दिए गए पासों में सेवन के विपरीत क्या होगा, और पास ही ये रहे अपने, दो तीन सेवन ए बी, क्या है? दिए गए दो पासों में कोई एक अंक उभयनिष्ठ हो तो कैसे विपरीत अंक निकाला जाता है वो सीख रहे हैं अपन यहाँ पे। देखेगा जो भी विपरीत, जो भी आपको कॉमन नजर आया सबसे पहले उसको टारगेट कीजिए। क्या है कॉमन? टू यहाँ कॉमन है और टू यहाँ कॉमन है, तो आपको करना क्या है, जो कॉमन हो, जो उभयनिष्ठ हो, उसको क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाना है। इससे क्या लिखा जाएगा, टू थ्री सेवन, और उससे क्या लिखा जाएगा, टू ए और बी।
ये पहले पासेस हैं, ये फर्स्ट पासेस हैं और ये सेकंड पासेस हैं, मैंने लिख दिए। इसके बाद अगर आपको जिस भी अंक के विपरीत निकालना हो तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यहाँ से देखिएगा, अपने को क्या निकालना था, सेवन के विपरीत, तो सेवन के विपरीत क्या होगा, बी होगा, यही अपना आंसर है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तीन के विपरीत क्या होगा, तो तीन के विपरीत ए होगा। दोस्तों आप दिए गए दो पासों में कोई सा भी क्वेश्चन आ रहा है, अगर उसमें एक अंक उभयनिष्ठ हो तो बाकी आप विपरीत अंकों के निकाल सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखेगा दिए गए पासों में तीन डॉट के विपरीत कौन सा डॉट होगा। देखिएगा पास ये रहे अपने, दो पासे दिए जाए तब आप किस प्रकार से अपने क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा ये है दो डॉट, ये है अपने तीन डॉट, ये है चार, इसके बाद छः, पाँच। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अपने को क्या करना है, पहले कॉमन वाले को ढूंढना है, ये दो डॉट कॉमन इसमें भी हैं, दो डॉट इसमें भी कॉमन है, तो क्या करना है, उस पासे को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाना है और इसको लिखेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन के हिसाब से, तो दो डॉट, तीन डॉट और चार डॉट। उसके बाद अगर इसको लिखेंगे तो दो दो डॉट, उसके बाद छः और क्या है पांच डॉट। दोस्तों आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था कि तीन डॉट के विपरीत कौन सा डॉट होगा। तो आप देख रहे होंगे ये जो है तीन डॉट के विपरीत कितने डॉट आ रहे हैं, छह डॉट, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये छह डॉट अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो दो पासों के अंदर अगर कोई विपरीत अंक आ जाए या साइन आ जाए या अल्फाबेट आ जाए तब भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं दो पासों के अंदर कोई दो उभयनिष्ठ हो जाए तो कैसे आंसर करेंगे। दो पासों की बात कर रहा हूं मैं, अगर दिए गए दो पासों के अंदर, दिए गए दो पासों में अगर टाइप नंबर दो है दोस्तों, अगर कोई दो अंक उभयनिष्ठ हो तो किस प्रकार से क्वेश्चन किया जाएगा। देखिएगा प्रश्न है आपसे सी के विपरीत क्या होगा, सी के विपरीत क्या होगा, प्रश्न ये है। और ये रहा पासा, पासे को ऐसे भी बनाया जाता है ए बी सी, और दूसरा पासा है अपना ए बी और ई, ये है अपना क्वेश्चन। देखिएगा दो पासों में अगर कोई दो अंक या दो अल्फाबेट या दो सिंबल कॉमन आ जाए
तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। दिए गए पासे में जो अंक, दो सिंबल या जो साइन बच रहा है वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे दोस्तों। तो इस वाले प्रश्न का जो आंसर होगा सीधा सीधा निकालना है अपने को कि सी के विपरीत क्या होगा, सी के विपरीत दोस्तों ई होगा। क्या होगा, सी के विपरीत ई होगा, सी के विपरीत ई होगा, ये अपना आंसर है। जब दो पासे दिए जाए और दो अंक भयनिष्ठ हो तो इस प्रकार से आपने सीखा कि विपरीत अंक कैसे निकालना है। अब बात करते हैं दोस्तों आगे कि अगर आपको दिए जाने वाले दो से ज्यादा अगर आपके पास पासे आ जाए, मानिए कि दो पासे नहीं हो, दो से ज्यादा पासे हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, तो फिर कॉमन कैसे निकाला जाएगा। चलो क्वेश्चन करते हैं, उसके लिए क्वेश्चन करेंगे अपन। जब दो से ज्यादा पासे दे रखे हो, क्या दे रखे हो दोस्तों, जब दो से ज्यादा पासे दे रखे हो तो किस प्रकार से क्वेश्चन किया जाएगा, चलेगा। यहां देखिएगा, टाइप नंबर थर्ड है, जब दो से ज्यादा पासे दिए गए, देखिएगा जब दो से ज्यादा पासे दिए गए हो, क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन से समझते हैं। एक पासा, दो पासा और तीन पासा, इस पर अंक में डाल रहा हूं आपका, एक दो पांच, एक चार छः और है अपना दो तीन पांच। आपको क्या करना है, आपको करना है कि तीन के विपरीत क्या होगा, तीन के विपरीत क्या होगा। तो यहां देखिएगा दोस्तों, आपको करना कुछ नहीं है, आपको तीन हो, चार हो, पांच हो, कितने ही पासे दे दिए जाए आपको, आपको करना कुछ नहीं है। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कोई भी दो पासे ऐसे सेलेक्ट करो जिनसे कोई एक अंक कॉमन आ रहा हो। तो देखो क्या सेकंड और थर्ड पासे में कोई अंक कॉमन है, जी नहीं। क्या पहले और दूसरे में कोई कॉमन है, हाँ पहले और दूसरे में, पहले और तीसरे में कॉमन है। क्या कॉमन है भाई इसमें से, तो देखो दो और पांच कॉमन है, तो पहले और तीसरे को ही उठा लो, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, वेरिएशन नहीं आएगा। तो देखिएगा दो और पांच कॉमन है, जब दो पासों में कोई दो अंक कॉमन आ जाता है तो क्या होता है, रिमेनिंग वाला दूसरे रिमेनिंग की क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। तो इसको देखिएगा, तीन के विपरीत ढूंढना है, तो तीन के विपरीत क्या हो जाएगा, तीन के विपरीत हो जाएगा एक, क्या हो जाएगा, तीन के विपरीत क्या हो जाएगा, तीन के विपरीत हो जाएगा एक नंबर। यानी कि दो से ज्यादा पासे दिए जाए तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, जब तीन नहीं चार पासे हो तो, जब तीन नहीं चार पासे हो तो किस प्रकार से क्वेश्चन को करना है, ये भी देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन को किया जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको, एक पासा, दो, तीन, चार, ये चार पासे आपको दिए गए हैं और उनके पर अंक में डाल रहा हूं, एक छः तीन और है दो चार पाँच, आगे हैं एक तीन पाँच और आगे हैं दो तीन छः, दो तीन छः। और आपसे पूछा गया है, फिर आपसे पूछा गया है कि तीन के विपरीत कौन सा होगा, तीन के विपरीत कौन सा होगा दोस्तों, यह आपको करना है। यहां देखिएगा, तो आपका जो प्लान रहने वाला है, आपका मेन मोटो क्या रहने वाला है, आपका मेन मोटो होना चाहिए दोस्तों कि अपने को तो क्या करना है, अपने को ऐसे दो पास सिलेक्ट करने हैं जिनमें कोई ना कोई अंक कॉमन जरूर हो, तो बस उन्हीं को टारगेट करना है, कुछ नहीं करना। तो देखो कौन से दो कॉमन नजर आ रहे हैं आपको, पहले और दूसरे में देखेंगे, पहले और दूसरे में तो कोई कॉमन नहीं है, पहले और तीसरे में देखेंगे, जी हाँ पहले और तीसरे में आपको एक और तीन कॉमन है, तो पांच के विपरीत छह आ जाएगा। पहला और चौथा देखें,
पहले और चौथे में आपका दो कॉमन है, तीन और छह, एक के विपरीत दो आ जाएगा, तो आपको निकाल के देखना पड़ेगा। यह है अपना पहला पासा, यह है दूसरा पासा, यह है तीसरा पासा और यह है फोर्थ पासा। तो मैं ले रहा हूं पहले फर्स्ट एंड फोर्थ ले रहा हूं, फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ से देखो, तीन और छह, तीन और छह, तो एक के विपरीत क्या आ गया, एक के विपरीत आ गया बेटा, एक के विपरीत आ गया दो, एक के विपरीत क्या आ गया, दो आ गया। उसके बाद देखिएगा सेकंड और फोर्थ को देखिए, सेकंड और फोर्थ में दो कॉमन है, क्या है सेकंड और फोर्थ से ये लिया फर्स्ट एंड फोर्थ से, सेकंड में क्या है दो, दो यहां भी है, दो यहां भी है। उसके बाद इसको क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है, तो रोटेट करेंगे तो इसको दो ऐसे करेंगे और इसको, तो पांच के विपरीत क्या आ जाएगा छह, और चार के विपरीत क्या आ जाएगा तीन। तो आपको करना क्या था, तीन के विपरीत ही निकालना था, आपको क्या करना था, तीन के विपरीत ही निकालना था। तो तीन के विपरीत क्या होगा, तीन के विपरीत या तीन के अपोजिट चार होगा, क्या होगा दोस्तों, चार होगा। ये अपना आंसर आ गया, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थे बंद पासे, बंद पासे से इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे, हर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं खुले पासे की। बंद पासा मैंने आपको पढ़ा दिया है पूरा, क्या क्या किस किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन तो आप बढ़ा सकते हैं, प्रैक्टिस से बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन इसका जो बेसिक है मैंने आपको बताया है थ्योरी के अंदर, बेसिक यही था। उसके बाद अपन बात करते हैं खुले पासे की, खुले पासे को कैसे बंद करेंगे। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिए गए बंद पासे को खोलने पर कौन सा पासा बनेगा और खुले पासे को बंद करने पर कौन सा पासा बनेगा, ये वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो खुला पासा देख लीजिए, खुला पासा हेडिंग लगाइए, खुला पासा। तो खुले पासे की एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि खुले पासे के अंदर किस किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लीजिए ये कोई खुला पासा है, यहां पर 1 लिखा हुआ है, यहां पर 2 लिखा हुआ है, 3, 4, 5 और 6 ऐसे नंबर मैंने लिख दिए। क्या लिख दिए दोस्तों, ऐसे नंबर मैंने लिख दिए हैं। क्लियर। अब यहां से देखिए कि खोलने पर कौन सा बॉक्स कौन से बॉक्स के अपोजिट होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो देखिए ये है अपना फर्स्ट बॉक्स और ये है थर्ड बॉक्स, उधर से भी ये है फर्स्ट बॉक्स और ये है थर्ड बॉक्स। क्लियर। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, अगर खुले पासे की बात करें तो क्या होगा, फर्स्ट बॉक्स हमेशा अपोजिट होता है थर्ड बॉक्स के, एक अल्टरनेट लेना है। सेकंड बॉक्स अपोजिट होता है अपना फोर्थ बॉक्स के, और रिमेनिंग यानी कि शेष बॉक्स, शेष बॉक्स अपोजिट होगा शेष बॉक्स के। ये इसकी स्ट्रेटजी होने वाली है कि किस प्रकार से खुले पासे को बंद करना है आपको, इस प्रकार से आपको इसको ध्यान रखना होगा। तो आइएगा चलते हैं खुले पासे को किस प्रकार से करना है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन लिखिएगा यह है अपना खुला पासा, और इस पर मैंने क्या कर दिए हैं, अल्फाबेट डाल दिए हैं। क्वेश्चन सुनेगा, क्वेश्चन क्या है, दिए गए
दिए गए खुले पासे से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। दिए गए खुले पासे से कौन सा पासा बनाया जा सकता है? ऑप्शन देखिएगा, ए ऑप्शन है मेरा डी बी एफ, बी ऑप्शन है ए एफ बी, सी ऑप्शन है मेरा ई डी एफ, और डी ऑप्शन है मेरा सी ई एफ। आपको क्या नोट करना है इसमें, आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि दिए गए खुले पासे से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। अभी देखिएगा कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है। सबसे पहले तो इधर देखिएगा कि अपोजिट नंबर निकालो। सबसे पहले क्या करो, अपोजिट नंबर निकालना है दोस्तों आपको। तो अपोजिट नंबर कैसे निकाला जाएगा, वहां देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कौन सा बॉक्स कौन से बॉक्स के अपोजिट होगा। तो देखिएगा, पहला बॉक्स हमेशा थर्ड बॉक्स के अपोजिट होगा, सेकंड बॉक्स हमेशा फोर्थ बॉक्स के अपोजिट होगा, और रिमेनिंग बॉक्स दूसरे रिमेनिंग बॉक्स के अपोजिट होगा। तो यहाँ पर इस खुले पासे को देखेगा, खुला पासा है अपना ये रहा, तो ये है मेरा फर्स्ट बॉक्स और ये है थर्ड बॉक्स, ये दोनों क्या होंगे दोस्तों, अपोजिट होंगे। ये है सेकंड और ये है फोर्थ, ये दोनों क्या होंगे दोस्तों, अपोजिट होंगे। और इधर से ये रिमेनिंग और ये रिमेनिंग, ये क्या होंगे, आपस में अपोजिट होंगे। और एक बात मैंने जब आपको पासा पढ़ाना शुरू किया था तो एक ही नोट लगवा के लाइन लिखवाई थी, क्या लाइन लिखवाई थी मैंने आपको, कि कभी भी पासे में जो विपरीत सतह होती है वो कभी पास पास नहीं होती है, ये बात मैंने आपको नोट करवाई थी। तो उसी नोट का यूज करते हुए यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। देखिएगा, पहला ऑप्शन है बी डी एफ, क्या बी डी एफ पासा बनाया जा सकता है? जी नहीं, बी और डी दोनों अपोजिट हैं, बी और डी दोनों अपोजिट हैं, तो कभी भी साथ में नहीं आएंगे, ये वाला ऑप्शन अपना नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए ए और बी और एफ, दोस्तों देखिएगा बी और एफ, ए और एफ को देखिए, ए और एफ क्या है, अपोजिट है, तो ये भी नहीं बनेगा। सी वाला देखिए, सी वाला है ई डी एफ, डी के अपोजिट एफ है नहीं है, ई के अपोजिट क्या है सी है, सी है नहीं है, एफ के अपोजिट ए है, ए भी नहीं है, तो कौन सा बनाया जा सकता है, सी वाला। और फोर्थ वाला देख लीजिए, फोर्थ वाला है ई और सी, ई और ई सी अपोजिट है, तो ये भी नहीं बनेगा दोस्तों। तो आपसे खुले पासे में यही क्वेश्चन किए जाएंगे कि बंद पासे को खोलने पर या खुले पासे को बंद करने पर कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो कौन सा पासा बनेगा दोस्तों, अपना जो बनेगा सी ऑप्शन वाला पासा बिल्कुल बन जाएगा। तो ये एक तरीका है क्वेश्चन को पूछने का कि खुले पासे में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस प्रकार से एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये तो है दोस्तों कि खुले पासे से कौन सा पासा बनाया जा सकता है, और एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन यही देख रहा हूं मैं, और इसके अंदर क्वेश्चन पूछने का तरीका भी चेंज कर रहा हूं, क्या है, चलो क्वेश्चन भी बदल देते हैं, क्वेश्चन भी दूसरा ले लेते हैं, और पूछने का तरीका क्या है, पूछने का तरीका यह है, दिए गए खुले पासे से कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। और जो क्वेश्चन है अपना वो रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, ये पासा है अपना, खुला पासा है, ये खुला पासा है, इस खुले पासे से दिए गए खुले पासे से कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता, ए ऑप्शन है अपना,
एक तीन दो, बी ऑप्शन है अपना दो छः और एक, सी ऑप्शन है अपना चार पाँच छः और डी ऑप्शन है अपना दो चार और एक। दोस्तों ये है अपना प्रश्न। दिए गए खुले पासे से कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता, इस बार आपको क्या फाइंड आउट करना है, नहीं बनाया जा सकता। तो सबसे पहले तो इसको देखें, खुले पासे को, इसमें आपको नोट करना है कि कौन सा नंबर किसके अपोजिट होगा। तो यहाँ देखिए, ये है अपना फर्स्ट बॉक्स, ये है थर्ड बॉक्स, तो ये दोनों क्या होंगे, अपोजिट। इसको देखिए, दो चार के क्या होगा, अपोजिट। उसके बाद तीन जो अपोजिट होगा, पांच के अपोजिट होगा, सारे अपोजिट है। इसके बाद पहला वाला देखिए, एक दो और तीन, जी हाँ ये तो बन जाएगा, ये भी अपना आंसर नहीं होगा, अपने को ना नहीं बनाया जा सकता, ये बनेगा। उसके बाद दूसरा देखिए, एक दो छः, बिल्कुल ये भी बनेगा, एक दो छः, एक दो और छः, ये नहीं बनेगा। इसको देखिए, इसको और लिख लीजिए आप, एक तीन दो तो ले लिया आपने, और इसको ले लीजिए पाँच छः और चार ले लीजिए, पाँच छः चार ले लीजिए। दोस्तों ये भी बन जाएगा अपना, ये वाला देख लीजिए, पाँच छः चार अपने ले लिया, इसको कोई और ले लीजिए, चार तीन चार तीन और एक ले लीजिए, ये भी बन जाएगा। और इसको देखिएगा, डी वाला ऑप्शन जो है, एक चार और दो, दोस्तों दो के चार अपोजिट है तो ये नहीं बनाया जा सकता, और जो नहीं बनाया जा सकता वही अपना क्या है, आंसर है दोस्तों। तो इस प्रकार से इस पूरे पासे के अंदर मैंने आपको बताया कि किस किस टाइप से क्वेश्चन अपने से पूछे जाएंगे। आई होप दोस्तों ये क्लास आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी, बेसिक मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से पासे के अंदर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और दोस्तों एक बात मैं और बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आपने अभी तक मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी है, मैंने जो पढ़ाया था सेटिंग अरेंजमेंट पढ़ाया था और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की थी, अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस अभी तक नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उसको विजिट कर सकते हैं। और आज की क्लास के बारे में, अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप करने चाहते हैं मेरे साथ तैयारी को और बेहतर, तो आपको उसके लिए करना क्या होगा, आपको डिजिटल क्लासेज ऐप डाउनलोड करना होगा और उस पर टेस्ट वन सब्सक्राइब करना होगा। दोस्तों जो टेस्ट वन की जो प्राइस रखी गई है वो 99 रुपीज़ है, और इसकी जो वैलिडिटी है दोस्तों वो 1 ईयर है। तो इस प्रकार आप अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही है, ये क्लास पूरी कंप्लीट हो चुकी है, पूरा डाइज मैंने आपको कवर करवा दिया है। इससे जो चांसेस है बनने के, इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे बनेंगे एग्जाम में और आसानी से आप बना सकते हैं। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में किसी नए चैप्टर के साथ, किसी नए अध्याय के साथ, इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। इसी से मिलता जुलता एक चैप्टर और है जो अपन कवर करेंगे उसको नेक्स्ट क्लास में, जो रहने वाला है अपना क्यूब, डाइस एंड क्यूब रहने वाला है, और क्यूब से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, क्यूब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, क्यूब पढ़ने वाले हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, सी यू।